शहर में आए दिन हो रही हत्याएं जैसे अब आम बात हो गई है। हर बार बस नाम बदलते हैं, जगह बदलती है और हत्या की वजह बदल जाती है। अब ऐसा ही एक और हत्या का मामला सदर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां घूर के देखने जैसे मामूली विवाद को लेकर चाचा भतीजे ने एक 25 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया। भले ही पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती ये हत्या की वारदातें पुलिस प्रशासन के लिए एक सिरदर्द साबित हो रही है। वर्ष 2021 की बात करें तो इस साल भले ही किसी चीज में वृद्धि हुई हो या नहीं, लेकिन हत्याओं में जरूर इजाफा हुआ है। इस साल दिन प्रतिदिन लोगों ने हत्या से जुड़ी खबरें सुनी और शायद अब हत्या के मामले लोगों के लिए जैसे आम बात हो गए हैं। अब ऐसा ही एक मामला सदर पुलिस थाना अंतर्गत सोमवार की रात सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात 25 वर्षीय मृतक अनिकेत तांबे, उसका भाई आयुष तांबे और उनका मित्र दीपेश भुरेवार ये गौतम नगर गड्डी गोदाम यहां कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए, जिस दरमियान आरोपी भूषण सोम कुंवर से उनका घूर के देखने जैसे मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि उस वक्त वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन फिर आधी रात को करीब 12:15 के दरमियान वो लोग फिर से मिले और वहां उनका उसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ, जिस बीच आरोपी भूषण सोम कुंवर के भतीजे जय सोम कुंवर ने अपने पास रखा चाकू निकाला और आरोपी के गले पर उससे वार किया। चाकू के वार से मृतक नीचे गिर पड़ा, वहीं आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। उसके साथ मौजूद लोगों ने मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी और तत्काल उसे विम्स अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। अनिकेत तांबे वह 25 वर्ष राहणार खलाशी लाईन मोहन नगर हे काल रात्री त्याचा चुलत भाऊ आयुष तांबे आणि त्यांचा मित्र दीपेश भुरेवार यांच्यासोबत हे गौतम नगर गड्डी गोदाम या ठिकाणी रात्री 11 कोल्ड्रिंक प्यायला गेले होते। त्याच ठिकाणी आरोपी भूषण सोमकुंवर हा बसून होता। यांच्या तेथे घोरवण पाहण्याच्या कारणावरून किरकोळ वाद झाला। तेथील जे हजर काही लोकांनी त्यांचा वाद सोडवला, हे तिघही परत गेले। पुन्हा मग रात्री 12:15 सुमारास तिघही पुन्हा तिथे परत आले आणि घटनास्थळी भूषण सोमकुंवर आणि त्याच्या पुतण्या जय सोमकुंवर हे दोघे बसून होते आणि पूर्वी झाल्याच्या वादावरून त्यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला आणि या वादामध्ये जय सोमकुंवर याने त्याच्या जवळील चाकूने अनिकेत तांबे याच्या गळ्यावर एक घाव मारून त्याला जखमी केले। इस पूरे वाकये की दास्तां मृतक के दोस्तों ने भी बयां की, जो उस वक्त मृतक के साथ मौजूद था। आइए डालते एक नजर। पहले हम लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक लेने हम लोग गए तो मैं गाड़ी लगा के आगे खड़ा था। अनिकेत तो उसके दोस्त एक ऋषभ करके है, उससे आपस में दोस्ताने में बातें कर रहा था कि हम लोग ऐसे दोस्ताने में जो बातें करते हैं नॉर्मल। तो पीछे से उसका एक दोस्त है जो कल सस्पेक्ट है, जिसने वो किया भूषण करके, उसने गाली बका। मेन आरोपी है क्या भूषण? भूषण मेन है जिससे झगड़ा हुआ था। इसने मारा था क्या? इसने इसके भाई ने मारा था, लेकिन झगड़ा स्टार्ट इसी ने कॉल करके अपने भाइयों को बुलाया था। तो भूषण जो था उसने गाली बका कि रहते उठते से क्यों बात कर रहे तुम लोग ऐसा। तो फिर दोनों में झड़प हो गई थोड़ा, तो फिर सबने दूर करे आके, फिर हम वापस आ गए घर। फिर आधे घंटे बाद हम लोग को यानी घर जाना था, तो हम लोग सिगरेट ट्रेकिंग अंदर लेने वापस गए। उन कहाँ गए? गड्डी गोदाम में। गड्डी गोदाम में कहाँ गए? वो पवन करके एक भैया है, वहाँ पर डेकोरेशन है, डेकोरेशन के सामने ही हम लोग गए। तो हम जैसे ही पहुँचे मैंने गाड़ी थोड़ा आगे लगाया मतलब, तो भी घटनास्थल से 10-15 कदम दूर पे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा रुकना नहीं था। और तो फिर हम लोग मतलब बैठा था मैं गाड़ी पे, उतने में वो जो भाई आया उसका, उसने आवाज़ दिया, ए इधरा बोले तूने इसको क्या बोला, बोले बस इतना ही बोले। जैसे ही उसने बोला वैसे ही दोनों में थोड़ा झड़प हुई, तो दोनों ने कोंटे में ले जाके उसको ए मारे। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना
कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ और पुलिस ने बड़ी ही चतुराई से कार्रवाई कर मानकापुर से आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वो कहते हैं ना कि एक बुरा काम आपकी 99 अच्छे कामों पर पानी फेरता हो, वैसा ही कुछ हमारे शहर पुलिस प्रशासन के साथ भी है। भले ही पुलिस ने वारदात के चंद घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिदिन योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है, लेकिन आए दिन सामने आ रही ऐसी हत्या की वारदातें पुलिस प्रशासन के कार्य पर पानी फेरने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।